नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुलवामा का बदला पूरा, IED तैयार करने वाला मारा गया लंबू। 40 जवानों ने देश के लिए दिया था सर्वोच्च बलिदान। बैडमिंटन में PV सिंधु के हाथ से निकला पहला गेम, भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में हारी। गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा गिरफ्तार, हत्या अपहरण के लिए थे कुख्यात। रानी स्क्रूवाला की फिल्म कैप्टन इंडिया को लेकर विवाद, ऑपरेशन राहत के निर्माता अदालत जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार की वंदना ने टोक्यो में रचा इतिहास, तैयारी के चलते पिता के निधन पर नहीं आ सकी थी गांव। 144 नए IPS अधिकारियों को PM मोदी का मंत्र, बोले अपराध से निपटने के लिए प्रयोग जरूरी। 14 अगस्त तक मुजाहिदों को छोड़ दो वरना उड़ा देंगे मंदिर व RSS दफ्तर, लखनऊ में हनुमान जी के नाम आई चिट्ठी। 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था, बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते से निकलेगी EMI। UP के 55 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस नहीं, प्रदेश में मिले सिर्फ 712 सक्रिय मरीज। रुड़की में वीकेंड पर उत्तराखंड UP बॉर्डर पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, वाहनों की लगी लंबी लाइन। किसानों को सस्ती बिजली देने की तैयारी में योगी सरकार, BPL उपभोक्ताओं को भी मिलेगा पूरा लाभ। अनुष्का शर्मा ने शेयर की ग्रुप फोटो, रोमांटिक पोज देते नजर आए अथी और KL राहुल। भोजपुरी में रिलीज हुआ बचपन का प्यार गाना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। किसानों ने राजस्थान भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष को दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने बचाई जान, SC समाज के लोगों में पनपा आक्रोश। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की टेंशन होगी दूर, HPCL के पेट्रोल पंपों पर लगेंगे EV फास्ट चार्जर। हरियाणा के रोहतक में पुलिस चौकी के नजदीक हैंडपंप पर विस्फोट, एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने जारी किया 10वीं-12वीं का रिजल्ट, 99% से अधिक रहा परिणाम। केरल में कोरोना ब्लास्ट, संक्रमण की बढ़ी डरावनी रफ्तार, लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा नए केस। इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मान कौर का चंडीगढ़ में निधन, PM मोदी रहे हैं इनकी फिटनेस के मुरीद। UP बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित, लड़कों से आगे रहीं लड़कियां।